महानिर्देशक एम महेंद्र रेड्डी के मुताबिक मंगलवार को गणेश विसर्जन के शांत और शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के लिए हैदराबाद पुलिस 24,000 पुलिस कर्मियों को तैनात करेगी। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के साथ रविवार को एक बैठक की समीक्षा के बाद मीडिया से बात करते हुए महेंद्र रेड्डी ने कहा कि बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के अलावा सीसीटीवी को उस मार्ग पर स्थापित किया गया है जहां गणेश जुलूस निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सामाजिक विरोधी तत्वों को हिरासत में लिया जाएगा ताकि वो शांति को भंग करने का प्रयास ना कर सके। पुलिस आयुक्त ने शांति सुनिश्चित करने के लिए आयोजकों के सहयोग और सहायता की मांग की। उन्होंने आयोजकों से आग्रह किया कि जल्द ही जुलूस शुरू की जाए ताकि विसर्जन की प्रक्रिया आधी रात तक पूरी हो जाए। जीएचएमसी आयुक्त जनार्दन रेड्डी ने कहा कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए करीबन 1,000 कर्मचारी और विशेष दल तैनात किए जाएंगे। इस प्रायोजन के लिए करीबन 274 वाहन विशेष रूप से आवंटित किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभी 3,300 LED लाइट्स जुलूस मार्ग के साथ खड़े किए गए हैं।